सब्सक्राइब कीजिए यहाँ एवरीथिंग को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हे एवरीवन, दिस इज अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा गूगल एडसेंस बंद हो चुका है परमानेंटली। गूगल ने हमारा एडसेंस बंद कर दिया है इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। दोस्तों, यहाँ पर बात है कि मैंने इनवैलिड एक्टिविटी किया या कराया किसी और फ्रेंड से, ये दो बात दूर की है। सबसे पहले तो 5-6 दिन पहले हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा था मेरे एक वीडियोस पर, जो कि मैंने 10 दिन या 7 दिन पहले अपलोड किया था। उस पर लगभग अभी 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुका है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। और उस वीडियो में कुछ नहीं था, बस 2 मोबाइल का मैंने कंपेयर किया था। अब हो सकता है कि फ्यूचर में उस वीडियो के लिए स्ट्राइक भी आ जाए यूट्यूब पर, कोई बात नहीं। मतलब सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि अगर आपकी वीडियो पर कम ट्रैफिक आया तो आपका CTRL सब कुछ आपका ठीक रहेगा, आपका कभी बंद नहीं होगा। और अगर आपका वीडियो एकाएक ग्रो करने लगा, आपका चैनल एकाएक ग्रो करने लगे, तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है गूगल की तरफ से, उसका सिस्टम जो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करता है कि यहाँ पर एकाएक एकदम से ट्रैफिक आने लगा, इसका मतलब यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर सिस्टम में ही है, किसी के द्वारा किया नहीं जाता है इनवैलिड एक्टिविटी। जो यहाँ पर यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बहुत सारे सपने लेकर खोलते हैं, और क्यों अपने चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी करवाएंगे जबकि उनको पता है कि इनवैलिड एक्टिविटी करवाने या करने के पनिशमेंट्स में उसको क्या क्या मिल सकता है। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम जो है काफी छोटे यूट्यूबर को जो सपने देखते हैं कि यहाँ पर आकर काफी कुछ करेंगे, अपना नॉलेज जो है लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं बहुत कुछ सपने लेकर, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम के कारण, खराब सिस्टम के कारण उनका सपना रहा जाता है। और दोस्तों, ऐसा छोटे यूट्यूबर के साथ क्यों होता है? मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी हर एक वीडियो पर 1.5 लाख से 2 लाख व्यूज आता है, फिर भी उनका मोनेटाइजेशन है या गूगल एडसेंस या यूट्यूब को भी कोई स्ट्राइक या उनका गूगल एडसेंस बंद नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके सिस्टम को पता चल जाता है कि ये बड़े चैनल है, लेकिन छोटे चैनल के बारे में इनको क्यों नहीं पता चलता है? उनके लिए अलग सिस्टम बनाया गया है या छोटे चैनल के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है? अगर फ्यूचर में ऐसा ही होता रहा तो फिर कोई ऐसे कैरेमिनाटी जैसे एकाएक नहीं आएगा यूट्यूब पे, कोई फिर कैसे चमक नहीं पाएगा। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंडिया में, इनके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, हमारे टेक्निकल गुरु जी से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं जो कि इसी प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक तो पहले उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूट्यूब पर। सबसे पहले आप व्यूज लाओ 10,000, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा 2-3 से 4 महीने अगर आपका चैनल अभी अभी स्टार्ट किए हैं। और मान लो कि आपका अगर चैनल स्टार्ट करते ही आपको 2 दिन में 10,000 व्यूज आ जाए, तो वहां पर गूगल का जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इनवैलिड एक्टिविटी है। तो मतलब क्या करे छोटे यूट्यूबर, क्या करे, इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, आर्टिकल, प्योर आर्टिकल हिंदी में मैंने लिखा है क्योंकि ज्यादा हिंदी में ही मुझे पसंद है। प्लीज आप लोग उस आर्टिकल को कॉपी कर लें और बड़े यूट्यूबर जो है इंडिया के, उनके हर एक वीडियो में आप लोग पेस्ट करें। जहां भी बड़े यूट्यूबर का आपको पोस्ट दिखे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर वीडियो में, आप लोग सिर्फ उसे कॉपी करें और पेस्ट करें प्लीज, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ दिन के बाद सिर्फ यही यूट्यूबर रह जाएंगे जो अभी तक बड़े हैं, जो छोटे हैं वो कभी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे इस फील्ड में। और दोस्तों, मैंने एक पिटीशन साइन किया है, नीचे एक कमेंट, एक लिंक दिया हूँ पिटीशन का, वहाँ पे आप जाएं, आप लोग भी साइन कर लें। वहाँ पे एक कमेटी है बहुत बड़ा बड़ा, सब लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं एक दूसरे का इस इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। दोस्तों, आप भी जाकर उस पिटीशन में साइन कर लें। और मेरा तो अकाउंट बंद हो चुका है, अब भी फिर किसी का ना हो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग साथ दें। मैं इसलिए वीडियो बना रहा था कि आप लोग जो मैंने नीचे आर्टिकल लिखा है उसको कॉपी करें और हर एक बड़े यूट्यूबर हो, उनके फेसबुक, कहीं भी हो सोशल मीडिया, उनके कमेंट में ये पेस्ट करें। और हो सके तो मैंने सब भी बड़े यूट्यूबर का ईमेल आईडी भी नीचे दिया है, उस ईमेल आईडी में सबको मेल कर दें आर्टिकल। वही कुछ करेंगे तो कुछ होगा इंडिया के लिए, अगर एक साथ आवाज उठाएंगे तो सिस्टम बदलना होगा गूगल एडसेंस को। मुझे आपसे यही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।